हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको आज आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे नैनी देवी सम्मानित अध्यक्ष दिवाकर डिमरी जी से। इनसे हम मुलाकात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आज हमारा 94वां पड़ाव है, देखते हैं कैसी व्यवस्थाएं रही, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपको ये पूरी जानकारी देंगे। अध्यक्ष जी, आज तक आपकी यात्रा कैसी रही? आज तक की जो यात्रा है बहुत सुखद यात्रा रही है और बहुत यादगार यात्रा है। लगभग आज हमारा 94वां पड़ाव है मायापुर में, तो थराली ब्लॉक, नारायणबगड़ ब्लॉक, कर्णप्रयाग ब्लॉक, दसूली ब्लॉक और इसके बाद हम नंदानगर ब्लॉक में जाएंगे घाट में। और जो ये इतनी बड़ी हमारी जो यात्रा रही, इसमें लगभग सभी लोगों का सहयोग और पूरा सहयोग, इतनी ठंड में, कंपकपाती ठंड में नंगे पांव और एक टाइम भोजन करना, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं माँ नैनी देवी देवरा यात्रा से संबंधित पूरी समिति का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ अपने चिनवालों का, अपने इरवालों का। हमारे आचार्य जी हैं गणवे जी, उनका धन्यवाद करता हूँ कि रात हो, दिन हो, सुबह हो, हर टाइम उन्होंने जो है माता नैनी के प्रति अपना पूरा झुकाव माता नैनी के प्रति रहा उनका। और आप सभी लोगों का, आप दोनों इरवालों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ माँ नैनी देवी सेवा समिति की तरफ से कि आप लोगों ने निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से माँ की सेवा की है, निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्ज्वल हो, मैं माँ से यही कामना करता हूँ। और अभी हमारा 94वां पड़ाव है, प्रत्येक गाँव में गए, कितनी कठिनाइयाँ आई, किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? निश्चित रूप से कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, ऐसा नहीं है कि माँ की देवरा यात्रा में है तो कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। बड़ी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे सारे नवयुवा और जितने भी लोग माँ नैनी देवी देवरा यात्रा में सम्मिलित हैं, सभी ने उन कठिनाइयों का मुकाबला किया और उन कठिनाइयों को जीतते हुए आज जो है माँ नैनी देवी अपने 94वें पड़ाव पे है। निश्चित रूप से सभी लोगों का सहयोग रहा और माँ का आशीर्वाद रहा मुख्य रूप से। अगर माँ का आशीर्वाद नहीं होता तो इतनी बड़ी यात्रा और पैदल यात्रा, इतने लोग, रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, दिन में माता एक गांव से दूसरे गांव का भ्रमण करती है, आप सभी लोग नंगे पांव चलते हैं, एक टाइम का भोजन होता है, दो टाइम का नहाना होता है और पवित्र मन के साथ सभी लोग लगे रहे। माता का आशीर्वाद सब लोगों पर बना रहा, किसी भी कार्यकर्ता पर आज तक एक कांटा तक नहीं बैठा। उस माँ की छत्र छाया ऐसी है सभी लोगों पर, इतनी बड़ी कृपा है कि आज तक जो है कोई भी आदमी परेशान नहीं हो पाया माँ की देवरा यात्रा में। सभी लोग खुश दिल से, खुश मन से और खुशहाल माँ की सेवा कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद निश्चित रूप से सभी लोगों पर बना रहे। बोलो माँ नैनी देवी की जय। और अभी तक माँ नैनी देवी यात्रा में हमने कितने गांव से भेंट ली, नगरांत की कितने गांव में प्रवेश किया? 93 तो हमारे पड़ाव हो चुके हैं, रात्रि के पड़ाव, और 480 गांवों का हमने भ्रमण कर लिया है, 480 गांवों का। और लगभग अगर हम गिने तो लगभग 742 तोक हमने जो है भ्रमण कर लिए है माँ नैनी देवी देवरा यात्रा में 94 दिन में। अभी तक ये यात्रा किस क्षेत्र में जाएगी? इसके बाद नंदानगर घाट में जाएगी। नंदानगर घाट के बाद अपने धाम मुख्य स्थान, उसके बाद ब्रह्मतोली कोट में जाएगी और 9 दिन 9 रात का यज्ञ होगा, जिसमें जो है यज्ञ पुरुष के दर्शन होंगे और अन्य कई माँ की विदाई की रस्में पूरी होंगी वहाँ पर। और वहाँ पर जो है जन सैलाब उभरने वाला है माँ के आशीर्वाद के लिए, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से, सभी लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग आएँ और माँ के इस महान यज्ञ में अपनी जो भी आपसे हो सकता है उस कार्य को करने में अपना सहयोग करें और माँ नैनी देवी की देवरा यात्रा को संपन्न कराने में अपना योगदान करें। अब हम आपकी बात कराते हैं हमारे सांस्कृतिक अध्यक्ष भूपेंद्र नेगी जी। पहले तो मैं सागर रावत जी, नीति वाले का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से माँ नैनी देवी देवरा यात्रा जो कोट भटियाणा भुलपाणी का चल रहा है, तो आपका इसका भावुक प्रचार किया जा रहा है। आवाज उठा दो जी, उसमें तो आप पूछ
सांस्कृतिक अध्यक्ष हमारे भूपेंद्र सिंह नेगी जो कि एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं नेगी भाई उत्तराखंड नाम से, ये आपको बताएंगे कि किस कठिनाइयों के सामने, कभी ठंडा कहीं गर्म, कैसे सामना किया आप लोगों ने? सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा रावत सागर जी का, इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी लोग माननीय देवी द्वारा यात्रा के सांस्कृतिक प्रोग्रामों को देखते हैं। और जहाँ तक कठिनाइयों की बात है तो माननीय देवी द्वारा यात्रा में जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए उनमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और हमारे जितने भी सांस्कृतिक समिति में लोग हैं, एरवाले भाई, चिनवाले भाई, सब ने डट के मुकाबला किया और अपने प्रोग्रामों को करते रहे, चाहे ठंडा हो या गर्म हो। तो सभी का भरपूर सहयोग रहा इस माननीय देवी द्वारा यात्रा के सांस्कृतिक प्रोग्रामों में। और हमारे अभी कुछ पड़ाव रह चुके हैं तो हम आगे भी यही प्रयत्न करेंगे कि आपको पूरे सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से आपको माननीय द्वारा यात्रा की प्रत्येक पड़ाव की झलकी दिखाने का प्रयत्न करेंगे। अभी हमारे लगभग एक महीना बाकी है, इन एक महीनों में किन क्षेत्रों में भ्रमण होगा और कहाँ से हम ब्रह्मतोली के लिए जाएंगे, किस क्षेत्र से हम अपने क्षेत्र में प्रवेश करेंगे? अभी रावत जी हम हैं अपर चमोली में और हमारा जो कल का पड़ाव होगा वो आज का पड़ाव होगा वो हमारा मायापुर में होगा। और मायापुर क्षेत्र भ्रमण करके हम यहाँ लासी मजूठी घाट नंदानगर से होते हुए फिर गोमती प्रयाग से हम सैंस सिलिंग होते हुए वहाँ से भटियाणा गांव के लिए और उसके बाद हम सीधा ब्रह्मतोली कोर्ट में जाएंगे। ब्रह्मतोली में 9 दिन 9 रात के यज्ञ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा ब्रह्मतोली होता है ग्राम पंचायत कोर्ट में, तो वहाँ पे हमारा सीरा बटन का कार्य होता है और नागनाथन इत्यादि बहुत से प्रोग्राम होते हैं और लास्ट में माँ नैनी देवी की विदाई होती है। और उसके बाद हमारा 6 महीने बाद द्वारा 18 बोलते हैं वो होता है। बोलो नैनी माता की, बोलो नैनी माता की जय। जो हमारा ये रावत सागर यूके का चैनल चल रहा है कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और रावत जी आपको प्रत्येक पड़ाव की वीडियो दिखाते हैं, इसके लिए हम रावत जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, बोलो नैनी माता की जय। धन्यवाद नेगी जी। अब हम बात करते हैं हमारे व्यवस्थापक श्री जगत सिंह नेगी बटोला ग्राम कोट, इनसे पूछते हैं कि व्यवस्थाएं करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक गांव से दूसरे गांव वालों को किस तरह से मनाना पड़ता है, या कई गांव में व्यवस्थाएं नहीं बन पाती है, कैसे मेंटेन करते हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद और सागर रावत जी को धन्यवाद जो इतने प्रयास करने के बाद भी लगे रहते हैं अपने स्वयं में, जो उनकी जिम्मेदारी होती उस पर भी लगे रहते हैं। और जैसे कि आपने बताया व्यवस्थाओं के बारे में, तो हमारे कभी कभार तो क्या होता है कि पड़ाव लंबे होते हैं 10 किलोमीटर तक के होते हैं, कभी पड़ाव छोटा होता है, तो जहाँ लंबा होता है वहाँ पड़ाव जो होता है वो लंबा होने के कारण थोड़ा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, समय से गांव में नहीं पहुंचता है तो व्यवस्थाओं में दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन फिर भी गांव वालों का इतना सहयोग रहता है और सभी लोग माँ नैनी देवी के इस भव्य आयोजन में, इस भव्य कार्यक्रम में तन मन और धन के साथ भी लगे रहते हुए हैं और साथ में सहयोग बरोबर मिलता है, फिर भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं, सुंदर होती हैं, गांव का भरपूर सहयोग भी मिलता है हमको और कहीं भी हमें आज तक किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई है। प्रत्येक गांव में जहां भी जाते हैं सभी लोग भव्य स्वागत के साथ में और तन मन के साथ में बहुत अच्छे सहयोग के साथ में लगे रहते हैं, भाव के साथ में लगे रहते हैं, श्रद्धा के साथ में लगे रहते हैं और कहीं भी किसी प्रकार की अभी तक कोई कठिनाई हमारे सामने नहीं हुई है। लेकिन ज़रूर है, इतना मैं कह देता हूं कि हमारा जो ये द्वारा यात्रा कार्यक्रम चल रहा है इसमें जो हमारी संख्या होनी चाहिए वो वैसे कम होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो संख्या है द्वारा यात्रियों की ये थोड़ा बढ़ कर के है, फिर भी लोग इन चीज़ों से कतराते नहीं हैं, सभी गाँव में व्यवस्थाएँ
अच्छी रहती है, खाने की व्यवस्था हो चाहे रहने की व्यवस्था हो। तो इसी क्रम में आगे बात करूं तो जैसे कि हम ये कहना चाहते हैं कि यदि ये व्यवस्था और आदमियों की संख्या कम हो तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं इससे भी बढ़ चढ़ करके भी अच्छी हो सकती हैं। धन्यवाद।